पर ये वो बीजेपी नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी थी। जिस हाशिए पर अडवाणी जी को पहुंचाया इन्होंने, जिस हाशिए पर मुरली मनोहर जोशी जी को पहुंचाया इन्होंने, जिस हाशिए पर मेरी अपनी ताई को इन्होंने पहुंचाया है, मैं कांग्रेस का सदस्य होते हुए उसका बदला इन लोगों से लूंगा। मैं आप लोगों को कहता हूं, हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा होती है, सदैव सम्मान की दृष्टिकोण से सम्मान की जगह पर अपने गुरुओं को रखना, अपने बुजुर्गों को रखना हम लोगों को अपनी संस्कृति और धर्म ने सिखाया है। कांग्रेस भी इतना, लेकिन आज अगर किसी और दल ने भी किया हो तो उसकी भी गलती है, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी भी दल हो। मैं सही को सदैव सही कहता हूं और गलत को मैं सदैव गलत कहता हूं। और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां वो दल एक या दो व्यक्तियों के मुट्ठी में इकट्ठी हो गई है, ये लड़ाई जो आप और हम लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है केवल, ये देश की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं ये बीजेपी को भी स्वतंत्र करने की लड़ाई है। मुझे खुशी है और मेरा सौभाग्य है कि आज केएल अग्रवाल जी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।